रंजना सिंह, मेरा एजेंडा फॉर सिटी है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। मेरा मानना है कि हम लोग जिस स्टेज पे हैं, हम लोग अपने देश की सेवा अलग तरीकों से कर सकते हैं। मतलब हमारा काम कचरे को साफ करना नहीं, उसको साफ रखना है, शहर को साफ रखना है। तो मेरा मानना है कि हम इस तरह से कर सकते हैं। मेरा एक्शन प्लान का मतलब जो मेरा एक्शन एरिया है जहाँ पे मैं अपने प्लान को लगाना चाहती हूँ, वो है चारबाग वाला एरिया। ये हम मानते हैं कि ये ऐसा एरिया जहाँ से ऑलमोस्ट लखनऊ की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन दिन भर में से सबसे ज़्यादा घूमते हैं। मुझे इसके लिए JYP के कम से कम 5 मेंबर्स और सोशली जितने लोग हो सकें उतने ज़्यादा मुझे इसमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए। इसके लिए जो मेरा पॉलिसी है वो ये है, हमने नोटिस किया है कि एक यूनियन है, ऑटो रिक्शा वालों की यूनियन होती है, शॉपकीपर्स की यूनियन होती है। ये लोग अपने रिकॉर्ड्स को, सपोज ऑटो वाले एक फेयर को रेगुलेट करते हैं और शॉपकीपर्स भी एक अपने एक मतलब जो कीमतें उनको रेगुलेट करते हैं। मेरा मानना है कि हम इनकी हेल्प ले सकते हैं। अगर हम कंटेंट देखें कचरे का लखनऊ का, तो एक तो वो है जहाँ पे डंप लगा है, दूसरा वो है जहाँ पे रोड से नॉर्मली जो रैपर्स होते हैं, तम्बाकू के रैपर्स जो लेबर्स वगैरह डालते हैं। मैं मानती हूँ कि उनका माइंडसेट और ऑटो वालों का माइंडसेट ज़्यादा सेम है। अगर वो लोग उन्हें कन्विंस करेंगे कि आप ऐसा ना करें, तो शायद ये ज़्यादा एप्लीकेबल होगा। सेकेंडली, हम कचरों के ढेर देखते हैं दुकानों के सामने। अगर शॉपकीपर्स ये डिसाइड करें कि हम लोग अपनी दुकानों के आसपास ये कचरा नहीं होने देंगे, तो ये काम बहुत ज़्यादा कर सकता है। तीसरी चीज़ में नेटवर्किंग साइट्स की हेल्प लूँगी, जहाँ पे हम लोग अपने काम को पोस्ट करेंगे और हम रेडियो की हेल्प ले सकते हैं। एक और चीज़ मैं NGOs की हेल्प लेना चाहूँगी, जो है अराउंड 50-60% मेंबर्स अभी भी ध्यान ही नहीं दे रहे प्रेजेंटेशन पे। फॉर द कंप्लीट प्रेजेंटेशन यहां से लेके वहां तक में पूरा अपना आपस में ही डिस्कशन को चल रहा है। यहां क्या डिस्कस हो रहा है, क्या बात हो रही है, किसी को नहीं मतलब, और वोट्स में बस हाथ खड़े हो जाएंगे। प्लीज थोड़ा सा ध्यान यहां दीजिए जो प्रेजेंट कर रहा है। प्लीज, एनी क्वेश्चंस ऑन द फ्लोर? सुनाई नहीं तो क्या करें? यस, गार्बेज कलेक्शन के लिए क्या प्रपोजल है आपके पास? क्योंकि आई थिंक दैट इज प्राइमरी कंसर्न, शुड बी अ प्राइमरी कंसर्न। अगर मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम लोग एज अ स्टूडेंट, हमारा काम गार्बेज कलेक्शन नहीं होना चाहिए, हम उसे रेगुलेट करेंगे। वे लास्ट पॉइंट था जो मैं भूल नहीं पाई। एक टीम मेंबर होगा जो डस्टबिन्स की मॉनिटरिंग करेगा, जो अथॉरिटीज है LMC से बात करेंगे, उनके वर्कर्स की अटेंडेंस देखी जाएगी कि कौन कौन कितना प्रेजेंट है, कितना कितना काम करता है। थैंक यू मैम। इसको रेगुलेट वोट्स फॉर